हेलो विनीशियन बिजनेस चैम्बर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा लिम्फैटिक सिस्टम या फिर लिम्फ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं बिजनेस फ्यू मिनट सीरीज। इसमें आपके सिलेबस के सभी टॉपिक एकदम डिटेल में होंगे, एकदम डीप में होंगे, वो भी कुछ मिनट में। तो चलिए देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है लिम्फैटिक सिस्टम। तो देखिए, लिम्फैटिक सिस्टम में जाने से पहले हम तो पहले देखते हैं, दैट इज आपने कई बार देखा होगा कि आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कई बार आपके गले वले चेक करता है, एंड मतलब टॉन्सिल्स वगैरह चेक करता है, मतलब बहुत और भी बहुत सारे जो नोड्स होते हैं वो चेक करते हैं। ऐसा क्यों करता है गले चेक करने का, या फिर ये सारी चीजें चेक करने का क्या रीजन होता है, ये आपको इसी क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इसी टॉपिक में मिलेंगे। तो देखते हैं। तो देखिए, ये हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, लास्ट टॉपिक पे ही पढ़ा था। दैट इज ये है आपका डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड इसमें हमने देखा था दैट इज ये सर्कुलेशन कैसे होती है, कैसे सबसे पहले ये हार्ट से इधर जाता है, ये जो ब्लड है ये हार्ट से जाता है आपका लंग्स में, फिर लंग्स से वापस आता है हार्ट में, फिर हार्ट से निकलता है बॉडी कैपिलरीज में, यानी बॉडी के बाकी सेल्स में जाता है और उससे वापस आता है। हमारा काम इस पोर्शन से है, जब ये जो ब्लड है वो बॉडी की कैपिलरीज में जाता है, यानी बॉडी के पास जाता है। तो जब ये यहाँ जाता है, नॉर्मली जो कैपिलरीज में क्या होता है कि कैपिलरीज में, जैसे मान लीजिए कैपिलरी है, ये इतना पोर्शन जो है, ये कोई ऑर्गन है, कोई भी एक ऑर्गन है, तो उसके अंदर कैपिलरीज देंगे। तो कैपिलरीज का काम क्या होता है, कैपिलरीज का काम होता है कि जो भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, सिंपल भाषा में ये क्या करती है, ये ऑक्सीजन देती है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है सेल से। तो ये होता है कैपिलरीज के अंदर। अगर आप देखें तो जैसे सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी पड़ी रहती है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं क्यों, ठीक है, पिछली क्लास में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहती है, जो जो ब्लड आया है उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है। तो होगा क्या कि धीरे धीरे करके सारी की सारी जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो चीज जहां ज्यादा है वहां से कम की ओर अपने आप ट्रेवल कर जाएगी, यानी ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड के अंदर चली जाएगी, इससे कि सेल को ऑक्सीजन मिल जाती है। चलिए, इसके अलावा एक और काम होता है। क्या काम होता है कि अगर आप देखें तो नॉर्मली दैट इज यहाँ पर इन दैट केस, इसके अलावा एक और काम ये भी होता है। चलिए, तो एक्चुअल में दिक्कत ये थी, तो ये जितना भी ये जो लिक्विड था, ये जितना भी ये जो लिक्विड सॉरी ये जितना भी ये सारी चीजें जाती रहती है, इस तो होता क्या है दैट इज कैपिलरीज में एक और काम होता है। एक्चुअल में ये जो इसके आसपास के सेल्स हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर और भी सेल्स होंगे, तो ये जितने भी सेल्स होते हैं इनको सिर्फ ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, सेल को एक और चीज चाहिए होती है नॉर्मल सी फॉर्म में, ये है ग्लूकोज। ऑब्वियसली बात है, सेल को एनर्जी यानी फूड भी चाहिए, तो फूड यानी इन शॉर्ट सेल को ग्लूकोज भी चाहिए। तो ये जो ग्लूकोज है यानी फूड है, ये कहाँ से आएगा, तो ये भी कैपिलरी ही प्रोवाइड करती है। कैपिलरी जो होती है इसके थ्रू ये ग्लूकोज जाते रहता है, ठीक है। कैपिलरी के बीच में नॉर्मली क्या होता है, हल्के हल्के से पोर्स होते हैं, गैप्स होते हैं, जिसके थ्रू ये सारा का सारा जो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, ये सारी जाती रहती है। दिक्कत क्या है कि कई बार क्या होता है कि सिर्फ ग्लूकोज तो जाएगा नहीं, ब्लड इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी यू कैन से सेल्स, मैनी सब्सटेंसेस। तो बहुत सारा जो प्लाज्मा होता है, जो लिक्विड और पोर्शन होता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो ब्लड होता है, ब्लड के दो कॉम्पोनेंट होते हैं, तो ब्लड का जो प्लाज्मा वाला कॉम्पोनेंट होता है, प्लाज्मा वाला, वो धीरे धीरे करके ब्लड के अंदर से सेल में लीक होने लग जाता है। और ये कहाँ जाके जमता है, ये जो होता है, ये जो आपकी सेल्स होती हैं, जैसे ये मान लीजिए आपकी सेल है, ये दूसरी सेल है, तो दोनों के जो बीच का पोर्शन होता है यहाँ पर ये प्लाज्मा जाके जमा होने लगता है। और ये पूरा जो लिक्विड होता है, ये जितना भी जमा होता रहता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लिम्फ बोलते हैं। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है ना, ये जो जा रहा है, सेलुलर फ्लूड का मतलब जो दो सेल्स के बीच में अटक गया है, तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है ये जो है, इसे ही प्लाज्मा बोलते हैं, सॉरी लिम्फ बोलते हैं। अब इसकी दिक्कत ये है कि धीरे धीरे करके ये सारा का सारा जो है वो उसमें जाता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा ही बढ़ जा रहा है। दिक्कत क्या होगी भाई, लीक क्या कर रहा है, लीक कर रहा है प्लाज्मा, ब्लड का प्लाज्मा। मैं आपको बता दूं, प्लाज्मा ही लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, तो अगर लिक्विड पार्ट ही नहीं बचेगा तो ब्लड बहेगा कहाँ से। अगर लिक्विड पार्ट ही सेल के बीच में सारा लीक हो जाएगा, तो ब्लड जो जो ब्लड है वो उसमें बचेगा क्या, रहे सारा का सारा सॉलिड वाला पार्ट हो जाएगा, बहने लायक कोई चीजें ही नहीं बचेंगी। समझ में आ रहा है, एक्चुअल में जो लिक्विड वाला सारा पोर्शन होता है जिसके अंदर बाकी सेल्स बहते हैं, ये होता है प्लाज्मा। तो अगर प्लाज्मा ही सारा बह जाएगा तो सिर्फ सेल्स बचेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये कैसे ट्रेवल कैसे करेंगे। तो दैट इज वाई इस लिक्विड को वापस लाना बहुत जरूरी हो जाता है, और दैट इज वाई इस लिम्फ को वापस लाना, वापस जाके ब्लड में वापस डालना बहुत जरूरी हो जाता है, और यहाँ से काम स्टार्ट होता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का। देखते हैं, देखो तो
देखिए सबसे पहले ये जितना भी जो फ्लूड होता है, जितना भी फ्लूड होता है ये लिम्फ, ये जितना भी फ्लूड होता है ये सारा का सारा फ्लूड जो होता है इसे कंटेन यानी यानी कलेक्ट कर लिया जाता है लिम्फेटिक कैपिलरीज के द्वारा। यानी ये सेल के बीच में ही छोटी छोटी पतली पतली की ट्यूब्स होती हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज, जो ये सारा का सारा जो लिम्फ है इसे कैरी कर लेती है। फिर उसके बाद ये सारे के सारे जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, ये सारी की सारी जितनी भी लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं ये जाके खुलती हैं एक नई, उसमें एक नई बड़ी सी डक्ट में, जिसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक डक्ट। लिम्फेटिक डक्ट, ये बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज का कॉम्बिनेशन होता है, ये सारी की सारी एक मोटी मिलकर एक बड़ी सी डक्ट बनाती है जिन्हें हम बोलते हैं लिम्फेटिक डक्ट। अब लिम्फेटिक डक्ट्स जो होती हैं वो भी बहुत सारी मिल मिलकर ये सारा का सारा जो लिक्विड होती है कंटेन करती हैं, और ऐसी बहुत सारी लिम्फेटिक डक्ट्स मिलकर सारे के सारा जो जितना भी होता है ये सारा का सारा किसे दे देती हैं, ये छोड़ देती हैं अपना सारा का सारा लिम्फ इसमें वेन्स में। तो यहाँ से ये जितना भी लिम्फ है, सबसे पहले देखिए लिम्फेटिक कैपिलरी, सारा का सारा जो लिक्विड जाए, जितना भी लिम्फ था, जितना भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लड जो कि सेल के बीच में चला गया था वो सारा का सारा लिया लिम्फेटिक कैपिलरीज में, उससे पड़ा लिम्फेटिक डक्ट में, उससे आया वेन्स में, और वेन से फिर फाइनल में ये सारा का सारा जितने बहुत सारी जो वेन्स होती हैं वो कंटेन करती हैं सारा का सारा लिम्फ, और लास्ट में डाल देती हैं इसे वेना केवा में। वेना केवा हम जानती हैं इंप्योर ब्लड की सबसे मोटी मेन पाइपलाइन है। फिर उसके बाद अब देखिए जो ब्लड से जितना भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड निकला था वो वापस आपने ब्लड में ही डाल दिया, तो बात खत्म हो गई, दिक्कत खत्म। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए लिम्फ की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज अ टिश्यू फ्लूड विच इज कलरलेस कंटेनिंग प्लाज्मा एंड WBC। टिश्यू फ्लूड होता है जो कि प्लाज्मा और WBC कंटेन करता है। WBC की क्या जरूरत है? WBC हम जानते ही हैं, दैट इज WBC वो होते हैं मतलब फाइट अगेंस्ट डिजीज। तो ये WBC की यहाँ पर जरूरत क्या है? तो ये क्वेश्चन से आता है। मान लीजिए कि जो ब्लड स्ट्रीम में तो नहीं बट ब्लड स्ट्रीम के बाहर किसी एक जगह पर, मान लीजिए कि किसी एक जगह पर मान लीजिए कोई बैक्टीरिया या फंगस या फिर कुछ भी था, कोई भी एक बैक्टीरिया वगैरह था, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसको ले जाके कैपिलरी में डालेंगे, फिर आप डक्ट में डालेंगे, फिर आप वेन में डालेंगे, वेना केवे में डालेंगे, अल्टीमेटली वो जो जो पहले सेल के आसपास मौजूद था बैक्टीरिया वो ब्लड की स्ट्रीम में चला जाएगा। ये तो दिक्कत है ना। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या किया जाता है? बीच बीच में चेक पॉइंट्स होते हैं। चेक पॉइंट, हाँ चेक पॉइंट होते हैं। जैसे लिम्फेटिक डक्ट में बीच बीच में चेक पॉइंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं लिम्फ नोड। लिम्फ नोड्स का काम क्या होता है? ये WBC इनके अंदर होती है। WBC सिंपल सी बात है, जैसे ही बैक्टीरिया आएगा और देखेगा यहाँ पर WBC कॉन्टेक्ट में आएगा, WBC बैक्टीरिया को मार देगा। तो यहाँ से ये जो मेन ब्लड स्ट्रीम है यानी जो वेन्स हैं उनके अंदर नहीं जा पाएगा बैक्टीरिया और यहीं पे यहीं मर जाएगा। तो ये होता है लिम्फेटिक नोड्स का काम कि भाई अगर बाई चांस कोई मेलवेयर है, कोई भी ऐसी चीज है, तो वो वापस ब्लड में नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो ये होता है लिम्फेटिक नोड डेफिनेशन। दे कंटेन अ लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट वाइट ब्लड सेल्स को बोलते हैं, दैट हेल्प द बॉडी फाइट अगेंस्ट इंफेक्शन एंड दे आर बीइंग शेड। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा पूरा का पूरा लिम्फ सिस्टम, लिम्फेटिक नोड्स, लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम। एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो होता क्या है, जब कैपिलरीज में एक्सचेंज हो रहा होता है मटेरियल का, तो कई बार क्या होता है ग्लूकोज के साथ साथ बहुत सारा प्लाज्मा भी सेल के बीच में लीक हो जाता है। अब वो प्लाज्मा जरूरी होता है क्योंकि प्लाज्मा ऐसे अगर लीक होता रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ब्लड थिक हो जाएगा, काफी गाढ़ा हो जाएगा, बहने में उसे दिक्कत होगी। तो ये सारा का सारा प्लाज्मा वापस कंटेन करके ब्लड में डालना बहुत जरूरी है, और यहाँ से आते हैं लिम्फ कैपिलरीज का काम। लिम्फ कैपिलरीज क्या करते हैं? ये सारा का सारा जितना भी लिक्विड है, ये लिम्फ लिम्फ कैपिल मतलब सारा का सारा जो लिक्विड है, जो प्लाज्मा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लड है, या प्लाज्मा बोल लीजिए या फिर लिम्फ बोल लीजिए, दोनों अलग 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 चीजें, पर अभी के लिए मान लेते हैं। तो ये सारा का सारा लिम्फेटिक कैपिलरीज में कंटेन करती है, फिर लिम्फ डक्ट में आता है, बीच में नोड होता है लिम्फेटिक नोड, ताकि कोई भी मैलवेयर वगैरह, अगर कोई भी ऐसी चीज जो होती है, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह बीच में ना आ जाए। फिर ये सारा का सारा ब्लड वेन में डाल दिया जाता है और लास्ट में वेना केवा में डाल दिया जाता है, एंड दैट्स इट। लिम्फेटिक वेजल्स क्या होती हैं? ये थिक वॉल्ड की वेजल्स होती हैं जो कि लिम्फ को कैरी करती है। सिंपल चीज है, वही लिम्फ लिम्फ घूम रहा है, जो वेजल्स लिम्फ को कंटेन करके लिम्फेटिक वेजल्स, जो वेजल्स जो कैपिलरीज लिम्फ को कंटेन करके लिम्फेटिक कैपिलरी, जो ब्लड वेजल्स लिम्फ को कंटेन करती है लिम्फेटिक डक्ट्स, एंड समथिंग समथिंग जो नोड होता है लिम्फ के, लिम्फ नोड्स। बस चलिए, तो आशा है आपको पूरा लिम्फेटिक सिस्टम समझ में आया होगा।